नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात करेंगे कि सफलता क्या है। सफलता हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मीनिंग रख सकती है। जैसे अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए सफलता ये है कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं। दूसरा स्टूडेंट ये है कि भाई मैं स्कूल भी जाऊं, पढ़ाई भी कर लूं, अच्छे से मार्क्स भी ले आऊं और मुझे खेलने का भी पूरा पूरा समय मिले, मुझे टीवी देखने का भी पूरा समय मिले। जैसे हम बड़े होते हैं, कॉलेज में आते हैं तो सफलता के मायने चेंज हो जाते हैं। एक सपने देखने की आदत सी होती है कि भाई कॉलेज पढ़ लूँगा, अच्छे से मार्क्स आएंगे मुझे, अच्छा सा रिजल्ट आएगा, मैं टॉप करूँगा और मुझे अच्छे से नौकरी की संभावना। जैसे नौकरी में लग जाते हैं तो सपने फिर सफलता जो है वो मीनिंग चेंज होता है कि भाई मैं मन लगा के काम करूँ, मेरी प्रमोशन हो, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो, अच्छी सी एक वाइफ मिले, अच्छा सा जीवन हो, वो सफलता हो जाती है। तो ये एक छोटे से तीन एग्जाम्पल के साथ में मैं वैरायटी ये बताना चाहूंगा कि किसी के लिए पैसे सफलता होती है, किसी के लिए अच्छे से संबंध और नेटवर्क सफलता का परिमाण होता है, किसी के लिए अच्छी सी सेहत, अच्छी सी तबीयत होना सफलता का एक पैरामीटर है, किसी के लिए अपनी प्रशंसा, अपना एक स्टेटस, अपना एक स्टैचर वो सफलता का प्रतीक होता है, किसी के लिए परिवार में उसको महत्वता मिलना वो सफलता होता है कि भाई मैं परिवार का ज्येष्ठ हूँ, मैं परिवार का बहुत लाडला हूँ, तो ये सफलता हो सकती है। तो सफलता हर एक व्यक्ति के लिए अलग 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 हो सकती है, या अलग अलग स्टेट, अलग अलग पोजिशंस इन लाइफ कैन बी सक्सेस फॉर देम। बट समय के चलते, समय के आगे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि सफलता के आपके मायने चेंज हो सकता है। हो सकता है कि जो 5 साल पहले आपके लिए सक्सेस था, टुडे इट इज इररिलेवेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। आज आपके लिए नई कोई चीज, नया कोई पोजीशन, नया कोई प्रोजेक्ट, नई कोई अचीवमेंट, वो सक्सेस होगी। सो इट्स अ डायनामिक काइंड ऑफ थिंग। और कुछ लोगों के लिए हर समय दो तीन चार चीजों को बैलेंस करके चलना इस सक्सेस। नौकरी में ऑप्टिमम टाइम दिया, घर पे ऑप्टिमम टाइम दिया, खुद के लिए टाइम दिया, एक्सरसाइज कर ली, नेटवर्क कर लिया दोस्तों के साथ, परिवार के साथ में, संबंधियों के साथ में, और पूरा दिन जो 12 13 14 घंटे 18 घंटे जो जगे हुए रहते हैं कि भाई आज मैंने पूरे दिन में ये 10 काम किए, किसी का नुकसान नहीं किया, मुझे जो चाहिए था, मैंने जितना काम करना था वो मैंने कर लिया, आज का दिन मेरा सफल हो गया, तो उनके लिए डेली सफलता होती है। सो सक्सेस, अगेन आई एम रिपीटिंग, कैन बी डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, कैन बी डिफरेंट टू सेम पीपल विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही व्यक्ति के लिए एक चीज सफलता आज है, आने वाले कल में शायद वो ना हो। तो ये बहुत एक डायनामिक सब्जेक्ट है, बहुत ही एक चंचल सब्जेक्ट है, और जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हो वैसे वैसे आपके डेफिनेशन जो है सफलता का चेंज होता है। बट अब इतनी चेंजिंग और इतनी वैरायटी के बाद भी आपको सफलता जो है वो मन आपका जो है चेंज या
एडेप्टिव या डेवलपिंग ऐसा होना चाहिए कि भाई ये मन में आप बांध लो कि आज जो मैंने सक्सेस का पैरामीटर कर लिया अपने लिए, आने वाले कल में ये नहीं होगा, तो मुझे नया पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो वो जब माइंडसेट होगा तो आप क्या करोगे कि हर एक माइलस्टोन जो है, हर एक अचीवमेंट जो है, हर एक छोटा 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 जो आप सक्सेस अचीव करते, छोटा छोटा, दैट विल बी लाइक अ पार्ट ऑफ द जर्नी। और फिर ये जर्नी ही आपको एक सक्सेस का एक डेफिनेशन या मीनिंग बन जाएगी आपके लिए। तो मैसेज ये है, लर्निंग ये है कि आप कोई एक चीज को सक्सेस मान करके ना चले, मन को अपना ओपन कर दे, थिंकिंग को अपनी ओपन कर दे। छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो है, लेट देम बी योर सक्सेस और स्टेपिंग स्टोन्स फॉर द नेक्स्ट सक्सेस, ठीक है। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो कि भाई मुझे इतने परसेंटेज ग्रेड आना चाहिए था, मार्क्स आने चाहिए थे, नहीं मिले, इतना मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, इट्स ओके, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। हाँ आप कहोगे मेरा समय चला गया, भैया समय चला गया, आप यहां तक तो पहुंचे ना, आपने लर्निंग करी, आपने अटेम्प्ट करा, आपने अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके यू ट्राइड, दैट इटसेल्फ इज योर गेन। आप जहां थे, जहां से जर्नी शुरू करी, और आप जहां अभी पहुंचे, यहां पहुंचना था आप यहां पहुंचे, तो ये तो प्रोग्रेस करा ना आपने, तो अब यहां से आगे चलो। एंड एज आई सेड के आपके सक्सेस का डेफिनेशन फिर चेंज हो जाएगा जब उस पोजीशन से पहुंचोगे, उस पोजीशन पे पहुंच के जो पिछली पोजीशन जहां से शुरू किया था वो जब आप स्टडी करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तब आपकी थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखना है कि भाई यहां से मैं अब मेरे सक्सेस का डेफिनेशन को इसको थोड़ा और आगे ले जाता हूं, इसको मैं थोड़ा और पुश करता हूं, मैं और अचीव करूंगा, मैं और लर्न करूंगा, मैं और एफर्ट डालूंगा, मैं और ग्रो होऊंगा। दीज आर मोर मीनिंगफुल थिंग्स, दीज आर मोर मीनिंगफुल थॉट्स, दीज आर मोर मीनिंगफुल एक्शंस, ठीक है। तो सफलता कोई एक एक नहीं है भाई, एसएससी में मुझे 98% आने थे, मैं आ गया, अब क्या? तो 98% अगर आ गए तो उसके बाद क्या पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं होता है ना। उसके बाद फिर और विचार करोगे, अब मुझे यहां 98 आया तो अब मैं 12th में क्या अचीव करूंगा, मैं मेरे बैचलर्स में क्या अचीव करूंगा, मैं मेरे मास्टर्स में क्या अचीव करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे का सोचोगे, तो ऐसे ही होता है। हाँ 98 की जगह 97 आते तो क्या करता, पढ़ना छोड़ देते? नहीं ना, वो शायद बेस्ट कॉलेज जो आपने सोची थी वो नहीं मिली। तो लाइफ डजंट स्टॉप एंड यू ऑल्सो शुड नॉट स्टॉप, बढ़ना है आगे, ये बढ़ते रहना, ये जर्नी पे रहना, ये पाथ पे रहना, दैट इज काइंड ऑफ सक्सेस कि आप हमेशा चलते रहो। ये उसी बाइसाइकिल के जैसा है कि अगर आप चलाना चाह रहे हो, ठीक है, बिना गिरे, बिना पैर को जमीन पे रखे हुए, तो आपको पेडलिंग करनी पड़ेगी, साइकिल चलाने के लिए आपको पेडल मारते रहने पड़े, तभी साइकिल आगे भी बढ़ती रहेगी, आप बैलेंस करके भी चलोगे, गिरोगे नहीं। तो लाइफ का भी ऐसा ही है, पेडल करते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे ग्रो करते रहो, काम करते रहो, नेटवर्क बढ़ाते रहो, रोज बुक्स रीड करते रहो, रोज यूट्यूब देखते रहो, रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, जो आपकी लाइफ के, आपके काम के, आपके पैशन के, आपके लाइकिंग के अलाइन हो, सिंकिंग हो। आपकी लाइकिंग है म्यूजिक की और आप सीख रहे हो स्पोर्ट्स, दोनों अलग हो गए, सीख रहे हो पर दो अलग हो गए, या तो लाइकिंग को छोड़ दो, स्पोर्ट्स की तरफ चले जाओ, या स्पोर्ट्स को छोड़ के म्यूजिक की तरफ आ जाओ जो आपकी लाइकिंग है, करेक्ट। तो इसी तरीके से आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, इवॉल्व करना है और रोज कुछ ना कुछ सीखना है, लर्निंग वाला माइंडसेट रखना है, ग्रोथ वाला माइंडसेट रखना है। तो ये जब आप सारा कुछ करोगे तो यू आर इंचिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू सक्सेसेस, नॉट वन सक्सेस, सक्सेसेस। सक्सेसेस मतलब, अगेन आई एम रिपीटिंग, आज के दिन में जो आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन है, आने वाले दिन में वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने मन खुला रखा है, दिमाग खुला रखा है, तो आप उस तरीके के जो सक्सेसफुल माइलस्टोन्स हैं, छोटे 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 छोटे, वो आप अचीव करते चलो, एज सिंपल एज दैट। और जीवन को जीना अच्छे से, वेल्थ अक्यूमुलेट कीजिए, संबंधों के नेटवर्क बनाइए, खुद की तबीयत का ध्यान रखिए, खुद को थोड़ा सिक्योर कीजिए,
आपकी, जैसे मैंने वेल्थ का, तो वेल्थ के भी तीन चार अलग ऑप्शंस हैं, तो बैलेंस करके चलिए। अपने फ्रेंडशिप का नेटवर्क बढ़ाइए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करिए, अच्छे वो जो आपके और आपसे ज्यादा स्ट्रोंगर माइंडसेट रखते हैं ग्रोथ का, जो लाइफ के तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जो कंप्लेन करने वाले हैं, जो रोते हैं, जिनको हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम नजर आता है, उन लोगों से दूर हो जाइए। कुछ ऐसे संबंध होंगे जहां जिनसे आप दूर नहीं हो सकते, तो ठीक है, एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलिए, बट अपना माइंडसेट जो है वो ग्रोथ के तरफ रखिए, अपना माइंडसेट जो है वो खुद के विकास के लिए रखिए, अपना माइंडसेट जो है वो आपकी अच्छी हेल्थ के लिए रखिए, अपने परिवार की अच्छी हेल्थ के लिए, परिवार के प्रोग्रेस के लिए रखिए। जब आप इस तरीके से सोचोगे, काम करोगे, तो आपके इर्द गिर्द जो परिवार वाले हैं वो भी इसी तरीके से देखेंगे, सोचेंगे कि अरे अच्छा ये तो इस तरीके से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जो अगेन आपको फिर स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि पूरा परिवार एक दिशा में देख करके चल रहा है, साथ में चल रहा है, और जब परिवार साथ में चलता है कितनी शक्ति मिलती है, दैट अगेन इज अ सक्सेस। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करूंगा। आपको मेरी कौन सी अच्छी बात लगी, कौन सा कोई प्रश्न हो आपके मन में, कोई बात जानना चाहते हो, कहना चाहते हो, कमेंट में प्लीज लिखे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने निकटतम लोगों के साथ में, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ये सारी रिक्वेस्ट हैं इसीलिए करते हैं कि आप देखें और देखें, और हमको भी ये बताएं कि ये हमारी छोटी सी जो कोशिशें हैं इसमें हम कैसे कहाँ इम्प्रूवमेंट लाएं। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, थैंक यू।